हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 4 क्या करा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस का कॉस 2x प्लस का कॉस 3x इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग वैसे इसमें एंगल्स लेंगे, एंगल्स वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिनके एंगल का सम इवन हो और डिफरेंस भी इवन हो। तो इसलिए हम लोग कॉस 3x को और कॉस एक्स को एक साथ ले लेंगे और फिर अलग से ये कॉस 2x लिख देंगे इक्वल टू में 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ फॉर्मूला एक लगाएं, कौन सा, कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसलिए मैंने कहा कि एंगल का सम इनका इवेन होना चाहिए और डिफरेंस भी इवेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड होने पे वह फ्रैक्शन में ना बचे, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2 और प्लस में कॉस 2x इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस, ये 4x बाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2x बाई 2 यानी कि x आ जाएगा कॉस x और प्लस में कॉस 2x इक्वल टू में 0। यहाँ कॉमन कर लेते हैं कॉस 2x, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर देते हैं तो कॉस 2x इक्वल टू में 0 और 2 कॉस x प्लस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस 2x इक्वल टू 0 हुआ तो 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड, यानी कि x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई 4 एन बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉस x इक्वल टू में माइनस का 1, यानी कॉस x इक्वल टू में माइनस का 1/2 है ना। अब इसके बारे में आगे देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस x इक्वल टू में माइनस का कॉस पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा निगेटिव में, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस का पाई बाई 3। तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 2π/3। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अब लगा सकते हैं एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला मैं आपको लिख भी देता हूँ, याद होना चाहिए कॉस एक्स इक्वल टू में कॉस अल्फा होता है, तो एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2nπ प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π/3 एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो सकता है और ये कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसका सेकंड नंबर इसी टाइप का।